हेलो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में साइंस के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे क्लास टेंथ के छात्रों के लिए, और बोले थे कि कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नेक्स्ट वाले वीडियो में बता देंगे, और वो भी ऑब्जेक्टिव आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो फाइनली इस वीडियो में वो ऑब्जेक्टिव ला चुके हैं। आप सभी वीडियो को लास्ट तक देखिए और एक एक क्वेश्चन को याद कीजिए, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें से कई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। तो सभी लोग ईमानदारी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आप लाइक वीडियो को नहीं करते हैं और ना ही किसी वीडियो में कमेंट करते हैं, तो इस वीडियो में लाइक करना है और एक एक कमेंट करना है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना लेक्चर के, ठीक है। पहला 52 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? किलोवाट घंटा मात्रक है। यह क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है, एक या दो बार एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। तो किलोवाट घंटा मात्रक होता है किसका होता है? विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है, याद रखना, ठीक है। किलोवाट घंटा, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन, आवेश के एक क्वांटम का मान होता है। आवेश के एक क्वांटम का मान होता है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। आवेश के एक क्वांटम का मान कितना होता है? तो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम के बराबर होता है। ये तो आपको पहले से भी याद होगा, ठीक है। 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम के बराबर होता है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है? 54 नंबर प्रश्न कहता है कि घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है। घरों में विद्युत परिपथ समूहित रहता है, तो समांतर क्रम में रहता है, श्रेणी क्रम में नहीं रहता दोस्तों, समांतर क्रम में रहता है। श्रेणी क्रम यानी कि डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। श्रेणी क्रम में क्या होता है? आर बराबर क्या होता है? सीधा सीधा होता है, R1+R2+R3 ऐसे करके होता है। और समांतर क्रम में वो यही 1/R = 1/R1 होता है, +1/R2 होता है, ऐसे करके होता है। इसलिए दोस्तों हमारे जो घरों में समूहित रहता है विद्युत परिपथ, वो समांतर क्रम में रहता है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर कई मतलब यूट्यूबर्स या फिर कई लोग गलत बताते हैं कि मानव शरीर का प्रतिरोध होता है। एक्चुअली में मानव शरीर का प्रतिरोध कितना होता है? तो कितने बताते हैं? 30,000 ओम। तो कितने बताते हैं? 35,000 ओम। तो आपका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए तो कितना दिया है 30,000 ओम दिया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 30,000 ओम दिया है। तो आपका करेक्ट आंसर 30,000 ही होगा, 30,000 ओम ही होगा, ठीक है। मानव शरीर का प्रतिरोध 30,000 ओम के लगभग होता है, ठीक है। करेक्ट नहीं होता है दोस्तों, लगभग होता है। तो लगभग में हम इसे ही मानते हैं, 35 या फिर 40 नहीं मानते हैं, लगभग में हम 30,000 ओम के बराबर ही मानते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, वाट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है, यानी कि वाट पर एम्पियर किसको प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो आप लोग आंसर क्या देना? ऑप्शन नंबर सी को देना, ओम को यह प्रदर्शित करता है। ओम का मतलब क्या हुआ? यानी कि ओम क्या होता है? आर होता है। ओम क्या होता है? आर होता है, यानी कि प्रतिरोध के सही मात्रा क्या होता है? ओम। तो ओम को हम आर से सूचित करते हैं, और वोल्ट को भी से सूचित करते हैं, और एम्पियर को यानी कि करंट को आई से सूचित करते हैं। तो आर बराबर भी बट आई हुआ कि नहीं हुआ? तो आपका आंसर ऐसे ही करके आपको निकालना है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, ठीक है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि एम्पियर सेकेंड मात्रक है। अब यहाँ पर पूछ दिया एम्पियर सेकेंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर यानी कि आई, और सेकेंड मतलब टाइम हो गया, यानी कि एस हो गया, ठीक है। तो आई इंटू एस किसका मात्रक होता है, ठीक है। तो आप किसका मान दोगे? तो आप लोग आंसर देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, ठीक है। आवेश का बताना, क्या बताना? आवेश का आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ओम का नियम सत्य है सभी धात्विक चालकों के लिए, या फिर केवल अधात्विक चालकों के लिए, या फिर केवल अर्ध चालकों के लिए, या फिर सभी के लिए सही है। आंसर क्या होगा दोस्तों? 58 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल धात्विक चालकों के लिए ओम का नियम सत्य होता है, बाकी सभी के लिए गलत होता है। और अगला क्वेश्चन है, भी समानुपाती आई का नियम दिया है। भी यानी कि वोल्ट जो विभवांतर है वो समानुपाती है विद्युत धारा का, ठीक है। तो यह किसने दिया है? तो आप लोग पढ़े होंगे ओम के नियम में, ओम का नियम भी पूछा जाता है, ओम के नियम क्या है। जब ओम के नियम पूछ दिए कि क्या है, तो 2 नंबर में आप लोग लिखना, और जब पूछ दिया कि ओम का नियम क्या है इसे सत्यापित करें, तो आप 5 नंबर के आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा पूछे तो आप बता देना, ठीक है। तो ये ओम का नियम है, क्या है? ओम का नियम कहता है कि विभवांतर और अविभवांतर, उनके सिरों के बीच का विभवांतर और विद्युत धारा का समानुपाती होता है, ऐसे करके आप लोग याद किए होंगे, ठीक है। तो आंसर हम लोग ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे, क्योंकि ये ओम का ही नियम है, बाकी किसी का नियम नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों पूछ दिया, आप बताइए दोस्तों, यहीं पे पूछ दिया कि ओम के नियम का सूत्र है, तो जो भी समानुपाती क्या है? भी समानुपाती ई आई है,
तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर r इंटू i हो जाएगा। तो r क्या है, r एक कांस्टेंट है यानी कि नियतांक है। तो r को क्या कहते हैं, r को हम लोग प्रतिरोध कहते हैं। तो जब ये समानुपाती हटेगा तो r आएगा, r एक कांस्टेंट मान आएगा और r को हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो क्या हो जाएगा, v बराबर r इंटू i। तो r इंटू i देखिए तो कहाँ है, यहाँ पर है, c नंबर में, v बराबर i इंटू r या फिर r इंटू i। ठीक है, आप आंसर क्या हो जाएगा, c नंबर, सही आंसर क्या होगा, सी नंबर है। ठीक है, आप लोग ऐसे ही करके आंसर मतलब याद करना है। ठीक है, आप लोग मतलब कि देख लीजिए दोस्तों, अगर याद करने वाला होगा तो याद कर लीजिएगा, अगर याद करने वाला नहीं होगा, समझने वाला होगा तो समझ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आगे, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश रहता है, तो ये भी तो क्वेश्चन आपको पता ही होगा। और अभी इसका आंसर भी हम आपको बताएं कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम के बराबर होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है, 1 कैलोरी बराबर होता है, 1 कैलोरी बराबर होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो 4.2 जूल के बराबर होता है, 1 कैलोरी 4.2 जूल के बराबर होता है, आंसर याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक तरफ का परिभाषा भी हो गया, एक तरफ का डेफिनेशन भी होगा। अब देखते हैं किसका डेफिनेशन होता है, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा दोस्तों, आपका जो सही आंसर होगा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, प्रतिरोध। ठीक है, अगर आपसे पूछे प्रतिरोध का परिभाषा क्या है तो आप लोग बता देना, किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध के सही मात्र ओम होता है, इसे कैपिटल आर के द्वारा सूचित किया जाता है। आर बराबर वी बटे आई होता है, जहाँ आर प्रतिरोध, वी विभवांतर और आई विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। आप ऐसे लिखिएगा तो बिल्कुल 2 नंबर आपका मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, तो आप ऐसे ही करके याद रखना। ठीक है दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, और साथ में टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, आप लोगों को टेलीग्राम से भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। जाइए, टेलीग्राम पर भी बहुत छात्र जुड़ चुके हैं। ठीक है, आप भी जुड़ जाइए साथ में। ठीक है, वहाँ पर भी आपको हेल्प मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा, जाइए और एक बार ज्वाइन होकर तो देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर नहीं है। वाट के बराबर नहीं है यानी कि वो वाट के बराबर नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, देखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन। ठीक है, यह क्वेश्चन पूछा गया लेकिन थोड़ा इधर उधर कर दिया। तो वाट बराबर पी बराबर क्या होता है, जूल बट कूलम होता है, जूल बट सेकेंड भी होता है, और एक हम ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर को क्या कहेंगे, ए को एम्पियर कहते हैं, तो एम्पियर को हम लोग आई से सूचित करते हैं, लेकिन आप ए दिया है, एम्पियर डायरेक्ट दे दिया है, तो एम्पियर का सही मात्रक क्या होता है, यानी कि क्या होता है दोस्तों, यानी कि एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट का सही मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट आई, तो आई का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर दिया है, और ओम यानी कि आर होता है, तो आर होता है तो आर को ओम से सूचित कर दिया है, यानी कि प्रतिरोध का सही मात्रक ओम होता है, तो ओम को डायरेक्ट ओम के भाषा में लिख दिया, उसका जो जिसे सूचित करते हैं हम लोग आर वन नहीं दिया। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा, आई स्क्वायर आर भी हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर ओम भी हो जाएगा, वी स्क्वायर ओम भी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ सॉरी दोस्तों, यहाँ पर वी स्क्वायर ओम ऑप्शन नंबर डी में दिया है, देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया वी स्क्वायर ओम, यानी कि यह नहीं होगा। ठीक है, यह विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, बाकी सभी निरूपित करते हैं। ठीक है, आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर में तार की कुंडली के लिए जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह तत्व कौन सा है, तो नाइक्रोम है, आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नाइक्रोम। ठीक है, याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन कहता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर, टंगस्टन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टंगस्टन निम्न में किस ताप पर पिघलता है, टंगस्टन निम्न में किस ताप पर पिघलता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, 3500 डिग्री सेल्सियस पर यह पिघलता है। आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 3500 डिग्री सेल्सियस पर टंगस्टन पिघलता है। ठीक है, टंगस्टन क्या होता है दोस्तों, विद्युत बल्ब का तंतु जो टंगस्टन का नहीं होता है, ऐसे करके होता है, ऐसे करके आप लोग तो देखे ही होंगे। ठीक है, वही होता है। ठीक है, अब दोस्तों अंतिम प्रश्न देखिए, अंतिम प्रश्न कहता है, किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित होता है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा, 1 मिनट में विद्युत धारा का मान क्या होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर क्या आप लोग देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या टिक लगेगा ना, 68 का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है,
दो एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, दो एम्पियर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सिनेमा, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एक बार सब्सक्राइब करके देखिए, आपको डेली का डेली इस पर दो तीन वीडियो मिलेगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट मतलब कि क्वेश्चन आपको मिलेंगे और काफ़ी लाभदायक भी आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा के लिए रखिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो में भी कमेंट कीजिएगा, ठीक है। किसी वीडियो में कमेंट करते नहीं है, इस वीडियो में जरूर कीजिएगा।